प्यारे कदम राखो छाती मिने और राखो नैनो पर सिर पर लिए फिरो बैठो दिल को अरस कर बैठो दिल को अरस कर तखत धरिया हके दिल में अक्षरातीत के हृदय से निस्सृत होने वाली सागर ग्रंथ की वाणी हमें प्रेम आनंद एकत्व के उस सागर में प्रवेश करा देती है जिसमें डूबने के बाद हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है और हमारे लिए मार्फत का द्वार खुल जाता है। तीन चीजें हैं अभी आपने सुना, प्यारे कदम रखो छाती में और रखो नैनों पर। हृदय भी है, वक्षस्थल जिसको कहते हैं, ये बाह्य हृदय वक्षस्थल कहलाता है जिसको छाती कहते हैं। राखो धनी के चरणों को वक्षस्थल पर रखने की बात कही जा रही है, नयनों के ऊपर रखने की बात कही जा रही है और सिर के ऊपर रखने की बात कही जा रही है। यदि कोई व्यक्ति हमारा प्रिय होता है, कोई प्रेम भरी वस्त्र भेंट में देता है, किसी का पत्र आता है, तो आप क्या करते हैं, उसको अपने वक्षस्थल से लगा लेते हैं। लेकिन कोई घृणा वाला पत्र भेज दे, आपका कोई शत्रु विरोधी, तो उसको पढ़कर आपको घृणा होती है तो क्या करते हैं, पैरों के नीचे रख देते हैं। लेकिन यदि कोई पूज्य व्यक्ति पत्र भेजता है तो आप उसको सिर पर रख लेते हैं। पत्र एक है, अलग अलग स्थानों से अलग अलग भाव प्रकट होते हैं। कुछ गहरे प्रेम का नाता होगा तो उसको आंखों से लगा लें। सम्मान मिश्रित गहराई का प्रेम आंखों से स्पर्श किया जाएगा, जिसमें पूज्यता का भाव होगा उसको सिर पर रखा जाएगा, और जिसको कुछ दूसरे प्रकार का, जिसको प्रणय प्रेम कहते हैं, प्रेम की भाषा मुख होती है और वह प्रेम जब फूटता है तो उसको हृदय से स्पर्श कराकर संकेत कर दिया जाता है। लाउडस्पीकर से कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि इनसे मेरा प्रणय संबंध है, प्रेम का संबंध है। इस दुनिया की बात करें तो गुरुजनों से भी आत्मीयता होती है, माता पिता से भी आत्मीयता होती है, भाइयों से भी होती है, मित्रों से भी होती है, पत्नी से भी होती है, प्रियतमा से भी होती है, लेकिन भावों में अंतर होता है। हृदय सबके लिए तड़प सकता है, लेकिन यहाँ जिसकी बात की जा रही है वो तो हमारा सर्वस्व है, हमारे जीवन का आधार है। संसार के जो भी रिश्ते होते हैं, भाई बहन, पिता पुत्र, गुरु शिष्य, ये तो संसार के रिश्ते हैं जो बनते और बिगड़ते रहते हैं। इनके भावों के आधार पर ये दृष्टांत दिया जाता है कि किसी को आंखों पर रखने का भाव क्या है, वक्षस्थल पर रखने का भाव क्या है, सिर के ऊपर रखने का भाव क्या है, या पैरों से कुचलने का भाव क्या है। वाणी में बार बार एक चीज आती है, मेरी रूह नैन की पुतली, तीन पुतलियों की नैन, तीन नैनों में राखूं मासूक को, जो मेरी रूह पावे सुख चैन। इसकी चर्चा संभवतः आपने कई बार सुनी होगी, मैं संक्षेप में उसका अर्थ करता हूँ और एक जो गुहितम रहस्य उसमें छिपा हुआ है, हो सकता है शायद टीका में मेरे से छूट गया हो, क्योंकि टीका करते समय एक तनाव भी रहता है कि वार्षिकोत्सव आना है, समय पर देना है, कुछ चीज़ें लिख दी जाती हैं, कुछ छूट जाती हैं। समय के प्रवाह में जब राज्य की कृपा होती है तो चर्चा में बातें आ जाती हैं। देखना और दर्शन करना दोनों अलग अलग है। देखा तो शत्रु को भी जाता है, पूज्य का दर्शन किया जाता है, प्रियतमा या प्रीतम का दर्शन और देखने दोनों से भिन्न बात होती है, जिसके लिए कोई शब्द अभी साहित्य में बन नहीं पाया है।
उर्दू जबान में जरूर दीदार शब्द प्रयोग की कर सकते हैं, सरबते ई दीदार यानी मधुर दर्शन। प्रीतम का, प्रीतम को देखने की भाषा अलग होती है, भावना अलग होती है, प्रियतमा को देखने की भावना अलग होती है। आप अपनी बहन को देखेंगे उसमें एक भावना है, हृदय का स्नेह है, लेकिन उन्हीं आंखों से अपनी प्रियतमा को देखेंगे, दोनों के प्रति आत्मीयता है, भावना में अंतर पड़ जाएगा। एक में प्रणय की अभिव्यक्ति है और एक में स्नेह की अभिव्यक्ति है। पूज्य को देखते हैं उस एक ही आंख देख रही है लेकिन उसमें आदर की भावना है, छोटों को देखेंगे वात्सल्य की भावना है, हृदय का स्नेह, एक चेतन चेतन को चाह रहा है, अलग अलग भाव में व्यक्त होता है। आप ये देखिए आपके जो नयन है, नयन में एक गोला होता है और गोले के अंदर एक और गोला होता है। नयन के अंदर जो पहला गोला होता है उसको कहते हैं तारा, और तारा के अंदर जो और छोटा गोला होता है उसको कहते हैं पुतली। बार बार हमें ये चिंतन करना होगा कि बार बार वाणी में नेत्रों से देखने की बात कही जाती है, कहीं दिल के नैनों से देखने की बात कही जाती है, कहीं आत्मा के नैनों से देखने की बात कही जाती है। तो जब नैन की बात आती है तो फिर कहा जाता है कि नहीं, केवल नैनों के देखने से काम नहीं चलेगा, नैनों के तारों से देखो। फिर कहा जाता है कि नहीं, तारों से भी काम नहीं चलेगा, नैनों की पुतलियों से देखो, पुतलियों में बसा लो। आप नीचे बैठे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, इतने सुंदर साथ को मैं देख रहा हूँ, लेकिन एक ऐसी भी तो अवस्था आ सकती है, मैं हक देखूँ, हक देखे मुझे ये दो अरस परस भैया, मैं देखूँ हक पुतली हूँ, हक देखे मेरी पुतली, ये कब होगा? जब आप किसी के नेत्रों में देखते हैं तो उसकी पुतलियों में आपका प्रतिबिंब पड़ता है, सामान्य रूप से नहीं, सामान्य रूप से तो सभी एक दूसरे को देखते हैं, देखने की भावना अलग अलग हो जाती है। एक छोटा सा दृष्टांत दो, हनुमान जी जब लंका में गए तो उनको वर्णन हो रहा था, वाल्मीकि रामायण का एक प्रसंग है, हनुमान जी कहते हैं कि हर वस्त्र मुझे लाल क्यों दिखाई दे रही थी। किसी मनीषी ने कहा कि हनुमान जी आपका चेहरा क्रोध से लाल हो रहा था, आपकी आंखें लाल थी, इसलिए हर वस्त्र आपको लाल ही लाल दिखाई दे रही थी। आंखों का ये पर्दा तो सबका एक जैसा होता है, जो हृदय से भावना होती है वही सब कुछ दिखी जाती है। वाणी में, वितक में बार बार कहा जाता है सुनियो दिल के कानन, कहीं कहा जाता है सुनियो आत्म के श्रवण। कान तो हमारे ये हैं, एक बात समझिए कि ये जो कान हमारा दिखाई दे रहा है ना, ये बाह्य इंद्रिय है, ये वास्तविक कर्णेन्द्रिय नहीं है, ये इंद्रियों के गोलक हैं। हमारी आँख जो दिखाई दे रही है, हमारी त्वचा, जब सूक्ष्म शरीर की जहाँ बात आती है, कहीं 17 तत्व कहा जाता है, कहीं 19 तत्व कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कि पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय। तो ये न सोचिए कि हमारी आँख कान नाक जीवा त्वचा, ये जो इंद्रियों के बाह्य आवरण है, ये वास्तविक इंद्रियां नहीं है। हमारे जीव के अंदर सत्रह तत्वों का इस जीव ने तन सूक्ष्म शरीर धारण किया है, मन चित्त बुद्धि अहंकार का कारण शरीर धारण किया है। ये जो स्थूल इंद्रियां हैं ये तो बाह्य रूप से दिख रही हैं, किसी की नाक काट दीजिए तो कह देते हैं कि नाक कट गई, आँख किसी की फोड़ दीजिए तो कह देते हैं कि उसकी आँख ने, हमने आँख फोड़ दी। लेकिन यह ध्यान रखिए, किसी की सुंदर आँख हो
और देखने की शक्ति समाप्त हो जाए तो क्या कहते हैं, आंखों की रोशनी चली गई है। मेडिकल साइंस, चिकित्सा विज्ञान कुछ और कहेगा, लेकिन सच्चाई यह होती है कि हमारी त्वचा की वास्तविक जो इंद्रिय है, त्वक इंद्रिय जिसको कहते हैं, वो सूक्ष्म है। यह तो त्वचा है, इंद्रिय जो त्वक इंद्रिय सूक्ष्म है, ये आंखें बाह्य आवरण है, इसकी इंद्रिय कुछ और है। इंद्रियों से परे है मन, मन से परे है चैतन्य जीव, मन चित्त बुद्धि अहंकार कारण शरीर कहलाते हैं। यदि जीव न हो तो मन देख नहीं सकता, मन कुछ जान नहीं सकता, और यदि मन न हो तो इंद्रियां भी कुछ नहीं कर सकती। इसी को इस तथ्य में समझिए कि मेरे रूह नयन की पुतली, तीन पुतलियों के नयन, तीन नयनों में राखू मासुक को जो मेरी रूह सुख पावे सुख जाए। मेरी ये आत्मा क्या है, मेरी रूह, मेरी आत्मा नयन की पुतली, परात्म रूपी नयन की पुतली है। पुतली नहीं तो नयन क्या करेगा। जैसे जो छोटा गोला है, दो गोले हैं, एक सबसे छोटा गोला है, उसको सुई से फोड़ दीजिए और आंख कितनी भी अच्छी देखे तो क्या आंख देख पाएगी। मेरी रूह नयन की पुतली, तीन पुतलियों के नयन, मेरी ये आत्मा परात्म रूपी नयन की पुतली है। और मेरी आत्मा जो परात्म रूपी नयन की पुतली है, मेरी आत्मा रूपी पुतली के नयन है उसका दिल, जिसमें अपनी आत्मा के धाम हृदय में अपने प्राणेश्वर को मुझे बसाना है। अब यहाँ प्रसंग आ रहा है, तखत धरिया हके दिल में, कह रहे हैं तखत धरिया हके दिल में, प्रीतम ने मेरी आत्मा के धाम हृदय में अपना सिंहासन जमा लिया है। तखत रखने का तात्पर्य क्या है, प्रीतम हमारे धाम हृदय में विराजमान हो गए हैं, संपूर्ण परमधाम हमारे धाम हृदय में विराजमान हो गया है। अभी मैं जो दृष्टांत दे रहा था कि मैं आपको देख रहा हूं, लेकिन आपकी पुतलियों में मेरा प्रतिबिंब तो नहीं है। यहाँ जितने सैकड़ों की संख्या में सुंदर साथ बैठे हैं, हो सकता है संख्या हजार तक पहुंच गई हो, सभी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं, मेरे से एक घंटे के बाद मैं कमरे में जाऊं, पूछा जाए कि कौन कौन से हैं, मैं शायद नाम नहीं बता पाऊंगा। कुछ लोगों का नाम बता पाऊंगा, सबको नहीं बता पाऊंगा। दिख तो सभी रहे हैं, क्योंकि किसी के भी तारों में मेरा प्रतिबिंब नहीं गया, किसी की पुतली में मेरा प्रतिबिंब नहीं गया। सूक्ष्म अर्थ जहाँ तक मेरी बुद्धि गवाही देती है, एक ये भी है, ये तो जरूर है हमारी आत्मा परात्म रूपी नयन की पुतली है, और पुतली रूपी जो हमारी आत्मा है उसके नयन है हमारी आत्मा का दिल, जिसके अंदर हमें धनी की शोभा को बसाना है। तभी कहा है, अंतस्करण आत्म के जब ए रहे समाए, तब आत्म परात्म के रहने कछु अंतराय। हमारी आत्मा के धाम हृदय में जब प्रीतम की छवि बस जाएगी, तो हमारी आत्मा में और परात्मा में किसी तरह का भेद नहीं रह जाएगा, दोनों एक स्वरूप हो जाएंगे। अब प्रसंग चल रहा है कि बार बार आत्मा के तारों और आत्मा की पुतली का वर्णन क्यों किया जा रहा है। अपने श्रृंगार की चौपाई को सुना होगा, रूह नैने दीदार कर, रूह जुबा हक सोबोल, रूह कानो बातें सुने, यही पट रूह अरस का खोल। रूह के नैनो देखिए असल बगा के तन, हर जगह आत्मा के नैनों से देखने की बात कही जा रही है, लेकिन आत्मा के फिर तारे और पुतली की बात क्यों कही जा रही है। अभी जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं आपको देख रहा हूं, एक उथली सी नजर से देख रहा हूं, देखते सभी को हैं। चितवनी में जब आप इस अवस्था में आ जाएं कि राज्य के नख से सिख तक की शोभा छलकने लगे, तो क्या कहेंगे, राज्य का, राज्य को देखा, नैनों से देखा। एक और कदम आगे बढ़ाएंगे तो वो शोभा अखंड हो जाएगी। जैसे चित्र, कोई चित्र ऐसा हो
कोई ऐसा दृश्य हो जो थोड़ी देर दिखे और अदृश्य हो जाए, लेकिन ऐसी स्थिति बन जाए कि वह अदृश्य अदृश्य होने का नाम ही ना ले, न हमारी कभी पलके झुके न वो हटे, तो इसको इस अवस्था को कहेंगे नैन के तारों में बस जाना, तारों से देखना। बोलचाल में कहावत कही जाती है ना कि आप तो मेरी आंखों के तारे हैं। आंखों का तारा होने का तात्पर्य क्या है? बहुत प्यारा होना। उस ये अवस्था है हकीकत की। आपने अगली सीढ़ी पर कदम बढ़ा दिया, मैं देखूं हक पुतलियों, हक देखे मेरी पुतली। मैंने राज्य की पुतलियों में देखा तो कौन दिखाई पड़ रहा है? हमने स्वयं को भुला दिया, उनकी पुतली में हमारा प्रतिबिंब झलक रहा है, और राज्य यदि हमारी पुतली में देखते हैं तो उनको मेरी पुतली में उनका प्रतिबिंब दिख रहा है। परिणाम क्या होगा? दोनों अपने अस्तित्व को भुला चुके हैं। पुतली में दिखने वाला दृष्टा का प्रतिबिंब पुतली में दिखाई पड़ रहा है। यह क्या संकेत दे रहा है? कि नेत्र जो हृदय के प्रेम का प्रकाशक है, उसमें अखंड रूप से कौन विराजमान हो गया है? दृष्टा। मासूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासूक। आत्मा समझती है कि केवल तू है, प्रियतम समझते हैं कि केवल तू है। दोनों स्वयं को भुला चुके हैं, दोनों एक दूसरे को ही अपना सर्वस्व मान रहे हैं। ये बातें कुछ अटपटी सी लग रही होगी, हाँ इस संसार के धरातल पर नहीं समझ में आएगी। वाणी कह रही है, मासूक तुम्हारी अंगना, मेरे प्रियतम मैं अंगना आपकी मासूक हूँ, और आप मेरे क्या हो? आसिक। तुम अंगना के मासूक और आप मेरे मासूक हो, मैं आपकी आसिक हूँ। दोनों एक दूसरे को अपना सर्वस्व मान रहे हैं, ये है पुतली में बसाने का भाव। ये मार्फत की अवस्था है। स्वयं के अस्तित्व भुला दिया, देखते देखते ऐसी अवस्था प्राप्त हो गई कि देखने वाला स्वयं को भूल गया कि मैं देख रहा हूँ। जिसको देख रहा है केवल उसी का आभास हो जाए, यही जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है। इसलिए बार बार ये बात दोहराई जाती है कि नैनों की पुतलियों में बसा लो। हाँ जरूर हम लीला रूप लीला के कारण की जब व्याख्या करेंगे कि कौन देख रहा है, तो मेरी रूह नैन की पुतली तीन पुतलियों के नैन तीन नैनों में राखू मासूक को, जो मेरी रूह पावे सुख चैन का अर्थ यही करेंगे कि मेरी आत्मा परात्म रूपी नैन की पुतली है, और उस आत्मा रूपी नैन की पुतली मेरी आत्मा परात्म रूपी नैन की पुतली है, और उस आत्मा रूपी नैन की पुतली वह दिल है, क्योंकि बसाया जाएगा दिल में। लेकिन जब इस लीला के प्रेम के स्तर पर जब व्याख्या होगी तो यही कहा जाएगा, नैनों से देखा तो सामान्य दर्शन हुआ, हकीकत में जो हम सुंदर साथ एक झलक पा लेते हैं, संतोष करके बैठ जाते हैं। याद रखिए, धन से संतोष कर लीजिए, लेकिन जहाँ आध्यात्मिक संपदा हो, सेवा से कभी संतोष न कीजिए, ज्ञानार्जन से संतोष न कीजिए, समर्पण में संतोष भावना मत रखिए, प्रेम में संतोष न कीजिए, विनम्रता में संतोष न कीजिए। जितना ज्ञान प्रेम भक्ति विनम्रता इसमें डुबकी लगाते जाएंगे, उतना ही आप स्वयं को जानते जाएंगे, अपने प्राणेश्वर को जानते जाएंगे, अध्यात्म के शिखर पर पहुँचते जाएंगे। और इसमें संतोष करके बैठ लेना कि प्राप्तम प्राप्तव्यम, कहीं ना कहीं अपने को धोखा दे जाता है। सागर की गहराई में आप जितने डूबेंगे उतने ही मोतियों का चयन करेंगे। यदि कुछ मोती हाथ में आ गए और संतोष करके बैठ गए कि चलो अब तो सब कुछ मिल गया, जहाँ तक मैं सोचता हूँ इसमें कभी भी संतुष्टि का भाव नहीं लेना चाहिए। हाँ,
जब अंतरात्मा स्वयं पुकारे कि नहीं, जो पाना था वो पा गया, तब तो ठीक है। लेकिन मन बुद्धि के धरातल पर एक बार दीदार हो गया आपको, तो आप सबसे कहते फिरेंगे, अपने को मान लेंगे कि हाँ जीवन के लक्ष्य को पूरा हो गया। दूसरी बात यह है, इसमें असंतुष्टि का भी भाव नहीं लेना चाहिए। मैंने आपको कहा कि संतुष्ट भी ना हुई है, असंतुष्ट भी ना हुई है, आप समझेंगे कि ये क्यों कहा जा रहा है। दोनों की अपनी अपनी भावना है। असंतुष्टि का एक अर्थ ये है, यदि हमने विवेक दृष्टि जागृत हो गई है, अंतरात्मा से निर्णय किया जाएगा आगे हमें क्या करना है। मन बुद्धि के धरातल पर संतुष्टि या असंतुष्टि जब आता है तो कहीं ना कहीं भूल हो जाती है। आप चितवनी में धनी के प्रेम में बैठे हैं, उस समय जो प्रेरणा आए कि अब क्या करना है, क्या कदम और बढ़ाना है, तो वही निर्णय होगा। जैसे आपको जीवन में कभी राज्य के दर्शन हो गए, मान लीजिए आपने सोच लिया कि अब तो दर्शन हो गए, अब चितवनी करने की क्या जरूरत है, आप सामान्य व्यक्तियों की तरह रहने लगे, तो क्या होगा। राज्य ने आपको दर्शन दिया, आपने परमधाम को देखा, आपके अंदर ज्योति जल रही है, लेकिन आपको और भी तो पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। हम और कदम आगे बढ़ाएं, प्रेम में सीमा नहीं बांधी जा सकती। यदि यह सीमा बांध देंगे तो मार्फत का दरवाजा भी बंद हो जाएगा। एक व्यक्ति सामान्य रूप से कुछ अध्ययन करता है, ज्ञान में सीमा बांध लेता है कि नहीं पूरा ज्ञान मिल गया तो इसका तात्पर्य है वो आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेगा। ज्ञान एक सागर है, प्रेम एक सागर है, वहदत एक सागर है, इसमें आप सीमा रेखा नहीं खींच सकते कि मैंने जो प्राप्त कर लिया बस वही है। आप डूबते जाइए डूबते जाइए, राज्य जहाँ तक ले जाना चाहेंगे उनके ऊपर छोड़ दीजिए। अपनी बुद्धि से यह निर्णय न कीजिए कि मैं लक्ष्य तक पहुँच गया हूँ। इसलिए मैंने कहा संतुष्टि और असंतुष्टि दोनों से परे होना पड़ेगा, अंतरात्मा की पुकार सुनना पड़ेगा, मन के धरातल पर यह निर्णय नहीं लिया जा सकता। इसलिए जब एक तो अवस्था होती है नेत्रों से देख लिया, एक अवस्था होती है तारों में बसा लिया, एक अवस्था आती है पुतलियों में बसा लिया, नैनों की पुतली से जब देखा तो केवल तू रह जाएगा, प्रीतम की नज़र में भी तू और आत्मा की नज़र में भी तू, दोनों एक हो गए, न आसिक रहा न कोई मासूक रहा, दोनों एक वहदत में डूबे हुए हैं, और उसमें प्रिया प्रियतम का भेद भी मिट गया। इसी को कहते हैं स्वलीला अद्वैत, देखने वाला भी वही, दीदार देने वाला भी वही, दोनों एक रूप हो गए। फिर इसी अवस्था के लिए बार बार कहा जाता है कि नेत्रों की पुतली में बसाओ। मैंने आपको हल्के से दृष्टांत से समझा दिया कि यदि पुतली को छेद दिया जाए तो तारे का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा, तारे को छेद दिया जाए तो नेत्रों का अस्तित्व समाप्त हो जाए। यदि तारा छिद जाए पुतली बची रहे तो हो सकता है कुछ काम बन जाए, पुतली के न रहने पर कुछ भी नहीं हो सकता। यानी पुतली ही मूल है, पुतली नहीं तो नेत्रों का ये जो गोलक है कुछ नहीं कर पाएगा। और उस पुतली का संबंध क्या है, सीधे जीव से। किसी व्यक्ति की आँखें निकाल कर किसी और को लगा दी जाती है, मरे हुए व्यक्ति की आंखें देख नहीं सकती, देखेगा तो चेतन जीव ही देखेगा, जीव के साधन है ये नेत्र। उसी तरह से आत्मा का प्रेम प्रकट होगा नेत्रों से, और उसको ये अस्तर हैं, आंखें तो एक माध्यम है, प्रेम की गहनतम स्थिति में पहुंचने के लिए नेत्रों की पुतली और तारे का दृष्टांत दिया गया है। ऐसा न समझिए कि सचमुच इन आँखों की पुतलियों में हमें बसाना है, यह तो एक लाक्षणिक तथ्य है। जैसे कबीर जी ने कहा है, मीराबाई ने भी एक जगह कहा है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, नैनों में बसा लो। नैनों में बसाने का तात्पर्य क्या है, मेरे प्रेम भरे हृदय में बसाना है। नैन प्रेम का प्रतीक है, हृदय की संपूर्ण भावनाओं का प्रकटीकरण नेत्रों के द्वारा होता है। इसलिए कहा है कि बसो मेरे नयनन में नंदलाल,
और कबीर जी ने, मैंने 2 दिन पहले वो कबीर जी की कही हुई साखी बोली थी कि नैनों की कलकोठरी पुतली पलंग बिछाए, नैनों की चिकडार के पिए को लिया रिझाए। आँखों को इस तरह से बंद कर लेना कि कभी ये आँखें खुले ही नहीं। नैनों की चिकडार के चिकते पलकों को पिए को लिया रिझाए, नैनों की कलकोठरी पुतली पलंग बिछाए। नेत्र हैं एक अलंकारिक रूप से, नेत्र हैं आत्मा के प्रतीक। नैनों की कलकोठरी यानी नेत्र रूपी आत्मा की ये काली कोठरी है, ये निवास है। पुतली पलंग बिछाए, और नेत्र की पुतली का पलंग का बिछाना का तात्पर्य क्या है? वो अवस्था, प्रेममयी अवस्था, क्योंकि नेत्र स्थूल है और पुतली सूक्ष्म है। आत्मा अपने प्रेम के आधार पर, जैसे देखिए इस संसार में हमारा जीव है, जीव सूक्ष्म है, हृदय उससे स्थूल है, लेकिन यहाँ प्रसंग भावात्मक रूप से प्रेम के स्तर पर देखा जाएगा। आत्मा रूपी नेत्र में प्रेम की ऐसी गहन अवस्था आ जाए जिसमें वो बस जाए, तो कभी दो का भाव ना हो कि देखने वाला कौन है और दर्शन देने वाला कौन है। तभी तो कबीर जी ने कहा है कि एक ऐसी अवस्था थी जब मैं संसार में घूमता फिरता था या पूछते पूछते मेरा प्रीतम कहाँ है, मेरा प्रीतम कहाँ है, और मेरा प्रीतम मेरे पीछे पीछे चला करता है पूछते हुए, कबीर बोलो क्या चाहते हो, कबीर बोलो क्या चाहते हो। वही अवस्था हमारी भी हो जाए, तभी हम राज्य के दिल के में लीला करने वाले 8 सागरों का रसपान कर सकते हैं। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है, तखत धरिया हके दिल में, मेरे प्रीतम ने मेरे धाम हृदय में अपना सिंहासन जमा लिया है। राखो दिल के बीच नैनन, और मैं कहाँ राखूं दिल के बीच नैनन, दिल के बीच में अपनी आत्मा के नैनों में रखूं। आप देखिए कहीं कहा जाता है अंतस्करण आत्म के बीच में रखना है, आत्मा के अंतकरण में आत्मा है नैन, कहीं कुछ कहा जाएगा। एक शाब्दिक अर्थ यदि हम ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं प्रसंग के विपरीत हो जाएगा अर्थ। इसलिए किस प्रसंग में कौन सी बात कही जा रही है, दिल के नैन, आत्मा के नैन, आत्मा के नैन की पुतली, आत्मा के नैन का तारा, सभी अलग अलग भाव हैं। और जिस प्रसंग में जो बात कही जाती है उसी प्रसंग में उसको हमें घटित करना होता है। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि मेरे धाम धनी, चलिए तीन नैनो बीच नैना रूह के, तीन नैनो बीच नैना रूह के, एक है दिल के नैन, तीन नैनो बीच नैना रूह के, दिल के नैन और आत्मा के नैन, इनके बीच में हमें अपने प्रियतम की छवि को बसाना है। मैंने संक्षेप में आपको ये दर्शाया कि किस तरह से हमारी आत्मा से यहाँ देखा जा रहा है। श्रृंगार में एक प्रकरण आता है आत्म का फरामोशी से जाके का प्रकरण, पर आत्म को आत्म देख सी तब जल सी उल्टो फेर ची, पर आत्म नहीं देख रही है, हमारी आत्मा देख रही है। खेल में हमारी आत्मा ही अपने स्वरूप को देखेगी, प्रीतम के स्वरूप को देखेगी, 25 पक्षों के स्वरूप को देखेगी, परात्म नहीं देखेगी। परात्म की लीला यहाँ बंद है। हमारी आत्मा परात्म रूपी नयन की पुतली क्यों है? क्योंकि जब तक यह आत्मा परात्म में नहीं मिलेगी, परात्म की लीला नहीं हो सकती है, परात्म में फरामोशी रहेगी। अब ये पुतली, हमारी आत्मा रूपी जो पुतली है, अब इसको नयन बना देना है, देखा जाएगा दिल से। इन्हीं घटनाक्रमों को हम अलग अलग संदर्भों में देखेंगे, किस तरह से कहीं दिल के नयन की बात कही जा रही है, कहीं आत्मा के नयन की बात कही जा रही है, कहीं आत्मा के नयन की पुतली का प्रसंग है, तो कहीं आत्मा के नयन के तारे का प्रसंग है। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग भावों को यदि हम संजो करके रखते हैं
तो हकीकत और मार्फत की अलग अलग अवस्थाओं से उस राज्य के स्वरूप को देखा जाता है। देखने के बाद उनके दिल में डूबा जाता है। एक तो दर्शन होता है कुछ पलों का, एक दर्शन होता है अखंड दर्शन। जब नज़र बन गई तो पलक हटती नहीं। तभी तो कहा है ये मूल मिलावा अपना नज़र दीजित, पलक न पीछे फेरिए। पलक न पीछे फेरने का तात्पर्य क्या है? जो नज़र प्रीतम की तरफ लग गई मूल मिलावे में युगल स्वरूप की तरफ, उसको पल भर के लिए भी ना हटाइए। श्रृंगार में ये बात बार बार दोहराई जाएगी और इस प्रकरण में भी ये आया है। भाव वही है कि हम जिस अंग की शोभा को देख रहे हैं, श्रृंगार में तो दावे के साथ कहा गया है एक अंग देखने लगी सो तिथि भई गलतान, और जो एक अंग को छोड़ कर कहीं और देखने लगती है उसकी हंसी होती है कि आसिक कैसी है जो एक अंग की शोभा को छोड़कर दूसरे में चली जा रही है। परमधाम की जो ब्रह्मात्मा होगी धनी के जिस दीदार में डूब जाएगी उसी में खूब जाएगी, क्योंकि हर अंग की शोभा समान है। हर अंग में आठों सागर क्रीड़ा कर रहे हैं। वहदत का रस उसमें होगा, सौंदर्य का रस उसमें होगा, ये प्रेम का रस उसमें होगा, मूल संबंध का रस उसमें होगा, हर रस उसमें क्रीड़ा कर रहा होगा। यह न सोचिए कि चरण कमल की शोभा कुछ कम होगी, गालों की शोभा कुछ ज़्यादा हो जाएगी, हृदय की शोभा कुछ कम होगी, नहीं। जो अंग दिखता है उसमें अपना प्रेम लगाइए, बुद्धि न दौड़ाइए। यदि बुद्धि को दौड़ाने लगेंगे आपका प्रेम छिन जाएगा और आप धनी के दीदार से वंचित हो जाएंगे। इसलिए इंद्रावती जी की आत्मा के द्वारा धाम धनी ने हमारे लिए ये परम धाम के अखंड सुख की सौगात दी है हर सुंदर साथ के लिए। जैसे परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी जगन्नाथपुरी दर्शन करने गए तो उनके पास तो कुछ था नहीं। पंडे ने देखा कि ये कैसा नंग धड़ंग महात्मा आ गया है, उनको वहाँ से निकाल दिया। महाराज जी बहुत उदास थे क्योंकि अभी संन्यास लिए हुए थोड़े समय हुए थे। एक महात्मा के कहने पर गए थे दर्शन करने, बहुत खिन्न हुए और अंत में उस पंडे ने महाराज जी को अपमानित करके वहाँ से निकाल दिया, वहाँ खड़े भी होकर दर्शन करने नहीं दिया। एक सज्जन मिले, पूछा कि आपने दर्शन कर लिया महाराज जी का? तो कहा कि ये क्या देखूं? कह रहा है कि देखते नहीं हो, साक्षात हीरे मोतियों के हार लटक रहे हैं, साक्षात जगन्नाथ दर्शन दे रहे हैं। महाराज जी कहते हैं कि दर्शन तो नहीं दे रहे हैं, ये तो जगन्नाथ की मूर्ति है, लकड़ी की मूर्ति है, हीरे मोतियों से सजा दिया गया है। और पंडे ने यही बात सुन ली कि ये महात्मा कह रहा है कि तो मूर्ति है लकड़ी की, उसके हीरे मोतियों के हार दिख रहे हैं। वो जो साथ वाला महात्मा तो कहते थे कि अरे तुम कैसे हो, तुमको दर्शन नहीं हो रहा है? देखते नहीं, साक्षात राज्य दर्शन दे रहे हैं, साक्षात जगन्नाथ दर्शन दे रहे हैं। महाराज जी ने कहा कि नहीं, मुझे तो संतोष नहीं है, मुझे तो केवल लकड़ी की मूर्ति दिख रही है और हार दिख रहे हैं, जगन्नाथ तो नहीं दिख रहे हैं, मूर्ति दिख रही है। मैं सुंदर साथ से आग्रह कहूँगा कि वाणी का स्वरूप राज्य का ज्ञानमय स्वरूप है। वाणी के लिए हमारे जीवन का सर्वस्व समर्पित होना चाहिए। वाणी का सम्मान राज्य के ज्ञानमय स्वरूप का सम्मान है, और इसलिए ब्रह्मवाणी को सिंहासन पर पधराया गया है कि सब सुंदर साथ वाणी के कथन को सर्वोपरि मानेंगे, वाणी के वचनों को राज्य का वचन मानकर उनके चरणों में प्रेम रखेंगे। हम जीवन की एक एक सांस ब्रह्मवाणी के प्रचार में लगाएं, लेकिन यह याद रख लें कि यदि हम केवल श्रृंगार को ही देखकर खुश हो जाएंगे और चितवनी में नहीं डूबेंगे तो अंत तो गत्वा हाथ मलते रह जाएंगे। कोई धनवान है, वो तो हीरा चढ़ा दिया, अच्छे अच्छे हार चढ़ा दिए, सोने के कलश भी चढ़ा दिया। कोई गरीब सुंदर साथ अपने घर ब्रह्मवाणी पधराएगा झोपड़ी में, उस बेचारे के पास तो कुछ भी नहीं, वो तो 100-200 रुपये से ज़्यादा का रुमाल भी नहीं चढ़ा सकता,
तो यह न समझिए कि ज़्यादा कीमती बागे चढ़ाने से या ज़्यादा महंगे हार चढ़ाने से ही राज्य खुश हो जाएंगे और दर्शन दे देंगे। आपको वास्तविक दर्शन होगा अंतःचक्षुओं से। हाँ, सिख लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब का सम्मान करना सीखा है, हमने ब्रह्मवाणी का वास्तविक सम्मान करना नहीं सीखा है। अधिकतर देखा जाता है कि सुंदर साहब जब स्वरूप साहब ले जाते हैं, अटैची में रख लेते हैं और अटैची को बस में ट्रेन में पैरों के नीचे रख देते हैं, अपना जूता वहीं पड़ा रहता है। जो गलतियां हम करते हैं वैसी गलती कोई भी सिख नहीं कर सकता, क्योंकि उसको लगता है कि ये गुरुवाणी है, हमारे गुरु महाराजों की वाणी है, हमारे 10 गुरुओं की वाणी है। हम तारतम वाणी को अक्षरातीत की वाणी तो कहते हैं, लेकिन सोचते हैं कि कष्ट क्यों सहें, चलो अटैची में ही तो है, पैर के जूते के पास रखते हैं। जो ब्रह्मवाणी हमें परमधाम का ज्ञान दे रही है उसका सम्मान करने की भाषा तो हमें सीखनी होगी। एक सैनिक तिरंगे की रक्षा के लिए अपनी जान दे देता है, आखिर एक ध्वज है, कपड़ा ही तो है, वो फट जाए गिर जाए तो क्या नुकसान है। आज़ादी की लड़ाई में देखा जाता था जब कलेक्ट्रेट पर या किसी सरकारी इमारतों पर ध्वज फहराना होता था, मिलिट्री सैनिक गोली चलाते रहते थे, एक देशभक्त उस झंडे को लेकर गाड़ने के लिए बढ़ता था, गोली लग जाती थी, गिरता था, लेकिन उस झंडे को किसी ने गिरने नहीं दिया, जमीन पर गिरने से पहले दूसरा पकड़ लेता है। न जाने कितने दर्जनों सैकड़ों मारे जाते हैं, लेकिन झंडे को कोई गिरने नहीं देता कि झंडा हमारी आन बान का प्रतीक है। यदि संसार के जीव अपने राष्ट्र के सम्मान की खातिर अपने प्राण देते हैं तो ब्रह्मवाणी की गरिमा का हमें एहसास होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ब्रह्मवाणी जहाँ पधराई जाती है जिस सिंहासन पर, उसमें कीमती पैसों के बल पर कीमती श्रृंगार करके हम ये संतोष कर बैठे कि नहीं, हमने दर्शन कर लिया है, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो आप राज्य के 8 सागरों का सुख नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपकी आत्मा तब तक जागृत नहीं मानी जाएगी जब तक पूरन स्वरूप हक का आए बैठा मैं दिल तो अंग सभी आत्म के उठ खड़े सबिल, आत्मा के धाम हृदय में जब तक प्रीतम की छवि नहीं बस जाती, नख से सिख तक युगल स्वरूप का श्रृंगार नहीं अवतरित हो जाता और आपको अपनी आत्मा का, अपनी परात्मा का वह अंग नहीं दिखाई दे जाता, तब तक पूर्ण रूप से आपको जागृत नहीं कहा जा सकता। जिस अंग की जितनी शोभा आपकी आत्मा के, अपनी आपकी परात्म के जिस अंग की जितनी शोभा आपके हृदय में बसेगी, राज्य के जिस अंग की जितनी शोभा बसेगी, आत्मा का वह अंग खड़ा होगा और जब नख से सिख तक पूर्ण श्रृंगार बस जाएगा तो आपकी पूर्ण जागरणी मानी जाएगी। आधा श्रृंगार बसेगा तो आपको आधा जागृत कहा जाएगा वाणी के सिद्धांत के अनुसार। जैसे अभी हमारे सुंदर सात में ऐसा देखा जाता है, एक एक मंदिर में 300-400 बागे हैं, प्रतिदिन एक बागा चढ़ाया जाए तो वर्ष में एक बागे का नंबर आएगा, 5-10 साल में ये बागे तो खराब हो जाएंगे। आप सोचिए, आप जो सोचे बैठे हैं कि कीमती बागों के चढ़ाने से ही राज्य प्रसन्न होंगे, तो ऐसा नहीं है। आप जो बागे में पैसा खर्च कर रहे हैं उस धनराशि को उन गरीब सुंदर साथ तक ब्रह्मवाणी पहुंचाइए कि वो भी जाने कि अक्षरातीत कौन है। मैंने शरद पूर्णिमा के मेले पर ऐसे गरीब सुंदर साथ को भी देखा है जिनके पास स्वरूप साहब तो दूर, स्वरूप साहब तो 500-600 के निछावर पर मिलते हैं, 15-20 रुपये की किताब भी खरीदने के पैसे नहीं होते। कुछ महात्मा जन सरसावा आए थे, उनको मैंने छोटी छोटी किताबें भेंट में थी, वे इतनी खुशी से पागल हो रहे थे। कुछ भेंट दक्षिणा के साथ मैंने कुछ ग्रंथ दिए, जैसे उनको बहुत बड़ी संपदा मिल गई है। मैं सब सुंदर साथ से आग्रह करूँगा अपने देश में जहाँ भी कि आप मंदिरों में जब 100 बागे हैं तो उसको 400 क्यों बढ़ाना चाहते हैं, उन बागों को वहाँ पहुँचाइए जहाँ गरीब सुंदर साथ हैं,
जिनके पास अन्य बागे बढ़ाने की प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन उसमें फिजूल की खर्ची करके निःशुल्क मुफ्त सस्ता से सस्ता साहित्य गरीब से गरीब सुंदर साथ तक पहुँचाइए, ताकि हर सुंदर साथ को पता चल जाए कि हमें मूल मिलावे का ध्यान करना है। और ध्यान की गहराई में डूबिए, आँखों से बाह्य दर्शन होगा, आप हीरे मोती का हार चढ़ा दिए, खुश हो रहे हैं कि आज हमारे राजी ने हीरे का हार पहना है। आँखें बंद करके जब हीरे का हार देखिए, तब बोलिए कि हाँ, आज मेरे राजी ने पांचों हारों के साथ मुझे दर्शन दिया। खुली आँखों से दर्शन तो अब सौभाग्य कहाँ मिल सकता है। एक वो समय था जब श्री जी चर्चा करते थे बंगला जी दरबार में, तो जाको दिल जिन भाषो तासो मिले तिन बिद मनचाया स्वरूप हो के कारज के सब सिद्ध। उस समय राज्य जिसको जैसी भावना होती थी उस रूप में दर्शन देते थे। किसी को परमधाम के युगल स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं, किसी को रास बिहारी के रूप में दर्शन दे रहे हैं, किसी को श्री देवचंद जी के रूप में दर्शन दे रहे हैं, तो किसी को मोहम्मद साहब के रूप में दर्शन दे रहे हैं। आज तो वह हकी सूरत की लीला नहीं है। हम सुंदर साथ को जितना वाणी का प्रकाश मिलता है हम एक दूसरे को सुनाते हैं, लेकिन यह ध्यान रहे, आप अपनी आंखें बंद कीजिए, अपनी आत्मा का संबंध मूल स्वरूप से जोड़िए। पांचवें दिन की लीला में तो सौभाग्य था, चौथे दिन की लीला में सौभाग्य था। लीलबाई के आग्रह करने पर राज जी ने सबको दर्शन दिया था, देवचंद जी को इन आंखों से दर्शन दिया था, और सब सुंदर साथ को कृष्ण के रूप में प्रतिदिन दर्शन दिया करते थे। पांचवें दिन की लीला में भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। हाँ, परमहंस महाराज श्री रामतन दास जी जैसी कोई महान हस्ती चाहे तो भले ही हो जाए, लेकिन आज के इस वातावरण में ये कहाँ से संभव है। इसलिए अपनी आंखों से बाह्य आंखों से देखने की अपेक्षा अंतर की आंखों से देखिए, और यह देखिए कि राज्य के चारों हार पांचों हार छहों हार दिख रहे हैं कि नहीं। कहीं चार हारों का वर्णन है, कहीं पाँच हारों का वर्णन है, कहीं छः हारों का वर्णन है। आप गिनती में न पड़िए, हारों की शोभा को देखते जाइए और दिल में प्रवेश करने का प्रयास कीजिए। मैं आपको देख रहा हूँ उपली नज़र से, तो इससे क्या लाभ है। यदि मेरी दृष्टि आपकी आँखों में समा जाए और आप मेरे हृदय में समा जाए, तब तो वो दर्शन है, अन्यथा उपली नज़र से तो कोई भी किसी को देख सकता है, ये वास्तविक दर्शन है। वास्तविक दर्शन ये है जिसको देखा जाए वो हमारे रोम रोम में इस तरह से समा जाए कि एक पल के लिए भी कभी अलगाव ना हो सके। इसलिए जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य होना चाहिए प्रीतम का दीदार। दीदार के पास पश्चात उनके धाम हृदय में प्रवेश करना, अपने धाम हृदय में इस प्रकार प्रीतम की छवि को बसा लेना कि वह छवि कभी भी अलग न होने पाए। उठते बैठते सोते जागते जब आंखें खुले तो वह छवि सामने हो जाए, जब सोने लगे तो संसार की याद ना आ जाए, प्रीतम की यादों में ही वह छवि ऐसी दिख जाए कि हम उसके सिवाय किसी और को देखने में झिझक महसूस करें। रहीमदास जी ने कितनी अच्छी बात कही है, प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लख पथिक आ फिर जाए। कोई यात्री जब किसी सराय में ठहरना चाहता है, देखता है कि उस सराय में लोग भरे हुए हैं, तो कहीं और चल देता है कि कोई दूसरी सराय को खोजना है। आप अपने दिल में धाम धनी को इस तरह से बसा लीजिए कि विषय वासना तो दूर, संसार का आकर्षण सारे ब्रह्मांड का आकर्षण भी आपको मोहित नहीं कर सके। सागर की वाणी का यही उद्देश्य है। और बार बार जो नेत्र की पुतली नेत्र के तारा का कथन है, यह संकेत कर रहा है कि हम केवल बाह्य दर्शन को ही सब कुछ न मान जाए, आंतरिक दर्शन से भी केवल हकीकत की स्थिति से ही भी संतुष्ट न हो जाए, बल्कि चरम लक्ष्य बनाएं पुतलियों में प्रवेश करने का और अपनी पुतलियों में उनको प्रवेश कराने का। जब हम उनको देखेंगे हमारी छब उनकी पुतलियों में जाएगी और उनकी छब हमारी पुतलियों में आएगी। इसका तात्पर्य क्या हुआ, हमने उनको अपने हृदय में हमेशा हमेशा के लिए ऐसे बसा लिया है कि माया सारी शक्ति भी लगा दे हमारे और प्रीतम के बीच में कभी दीवार नहीं बन पाएगी। अब मेरा समय समाप्त होता है, मैंने अपना वचन पूरा किया और मुझे आशा है
आप सुंदर साथ में अपना वचन पूरा करेंगे। छपाई तेरा तखत धरिया हके दिल में राखो दिल के बीच नैना न तीन नैनो बीच नैन रूह के राखो तीन नैनो बीच तारन राखो तीन नैनो बीच तारन।